आज मैं बहुत इजी एक फ्राइड राइस का रेसिपी बनाने जा रही हूँ। देखो, ये देखो, राइस मैंने पहले से किया हुआ बनाया हुआ रख दिया, ये ठंडा भी हो गया। अभी ठंडा राइस में फ्राइड राइस करोगे तो ये चावल टूटेगा नहीं, तो गरम गरम राइस बना के उसमें से फ्राइड राइस करोगे तो ये चावल जो है ना, ये टूट जाने का चांसेस रहता है। तो इसलिए मैंने ठंडा चावल लिया जो पहले से बनाया हुआ है। तो मैंने ये कढ़ाई यहाँ पे ये ऊंधन के ऊपर लगा दिया, अभी उसको गरम कर रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा घर में बनाया हुआ घी, ये मैंने घर में बनाई हूँ। आप लोग इसमें ऑयल भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं, ऐसे ऑयल भी डाल सकते हो, कुछ भी ऑयल, सफ़ेद ऑयल दे सकते हो। तो ये घर में बनाया हुआ घी दे के ये पतीला को मैंने गरम कर रही हूँ। और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जीरा चाहिए, मसाले में ऐसे जीरा, मैंने थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद मैं जीरा डालूंगी। और देखो ये करी पत्ता का पौधे तो मिलता है चारों तरफ, मेरे घर में करी पत्ता का ये पौधे से मैं इतना सारा पत्ता ले लिया, क्योंकि इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। तो ये खुशबू से ये चावल का भी अच्छा स्मेल आएगा। तो पहले मैं क्या डालूंगी, पहले मैं जीरा डालूंगी। देखो जैसे गर्म हो गया, ये जीरा डाल दिया, जीरा थोड़ा सा डाल दिया और ये ऐसे चटपट करना शुरू हो गया। जीरा को थोड़ा सा हिला लूंगी, उसके बाद मैं ये करी पत्ता डालूंगी। करी पत्ता डालने के बाद मैं इसमें कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी। इसमें से लहसुन बहुत अच्छा है खाने के लिए, तो ये डाल दूंगी। ये डालने के बाद थोड़ा सा हिलाऊंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये गाजर, मेरे पास गाजर है, तुम लोगों के पास गाजर नहीं होगा तो भी चलेगा, ये विंटर का है, ये तो गाजर मिल गया, मेरे पास था इसलिए मैंने दे दिया। गाजर नहीं होगा तो और कोई सब्ज़ी होगा तो जैसे प्याज डाल सकते हो। इसमें मैंने आज प्याज, बिना प्याज का बना रही हूँ, थोड़ा सा लहसुन डाल दिया, गाजर डाल देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी। और ये गाजर को मैंने एकदम मिही कर दिया, तो ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं होगा, जल्दी बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे हिला रही हूँ, फिर टेम्परेचर थोड़ा कम कर रही हूँ, नहीं तो जल जाएगा। फिर उसमें मैंने ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो है, हरा शिमला मिर्च, वो डाल दूँगी। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, डाल के थोड़ा सा हिलाऊँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा सा नमक दूँगी, क्योंकि चावल में मैंने नमक नहीं मिलाई, तो चावल में भी थोड़ा सा नमक मिला लूँगी। अभी चावल में थोड़ा सा नमक मिला लूँगी, क्योंकि अगर ये सब्ज़ी में होगा तो चावल में नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। चावल में भी थोड़ा सा नमक दे के चावल को हिला लिया। फिर ये सब्ज़ी को ऐसे थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा ढक्कन दे के रखना है थोड़ी देर के लिए। इसको ढक्कन दे दिया। तो इसके बाद मेरे पास है अदरक, देखो मैं छोटा छोटा करके अदरक भी काट लिया। अदरक मैं लास्ट में दूंगी, क्योंकि अदरक का ये स्वाद जो मुंह में आता है ना, अच्छा लगता है, पहले दे दूंगी तो वो स्वाद चला जाएगा। ये बहुत इजी रेसिपी है। गाजर होगा तो गाजर देना, नहीं होगा तो मत देना। जीरा दोगे ऑयल में, थोड़ा सा जीरा, प्याज, लहसुन और जो भी तुम्हारे घर में सब्जियाँ अगर होगा तो वो उसको छोटा छोटा करके काट के इसमें डाल दोगे। डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ा सा पकाना है, 5 मिनट तक इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाना है। ये 5 मिनट तक ये रहेगा, थोड़ा सा पकेगा। मैं ये ढक्कन को खोल के देखती हूँ कितना सा पका। 5 मिनट तो हो गया, थोड़ा सा नरम भी हो गया गाजर। गाजर तो छोटा छोटा करके काटी थी, और शिमला मिर्च भी ज़्यादा पकने का ज़रूरत नहीं होता है, जल्दी पक जाता है, ये बहुत नरम है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने अभी क्या दूंगी, ये जो देखो काली मिर्च भी खाना बहुत अच्छा होता है, तो काली मिर्च थोड़ा सा मैंने पीस के दे रही हूँ। इसको ऐसे हिलाती हूँ तो पीस जाता है। काली मिर्च थोड़ा सा पीस के इसमें देती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा चावल में, और नमक तो दे दिया, नमकीन हो जाएगा,
और जीरा जो दिया और कड़ी पत्ता दिया उसमें से एक स्मेल आ जाएगा, अच्छा स्मेल आएगा। और जीरा क्या होता है, जीरा खाने में बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने घी दिया ना, घी तो खाना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा खाना जरूरी है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो उसके साथ जीरा दिया तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, पच जाएगा खाने में, वो जल्दी हम लोगों का डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जीरा दी, जीरा से स्मेल भी आता है, करी पत्ता से भी अच्छा स्मेल आता है। और उसके बाद गाजर, शिमला मिर्च, और उसको मैंने थोड़ा सा हिलाई और ढक्कन देके रख दिया थोड़ी देर, वो नरम हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैंने थोड़ा सा ये काली मिर्च डाली, काली मिर्च डालने के बाद इसको और थोड़ा सा पका रही हूँ, थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ। इसके बाद मैंने अभी ये जो चावल है, ये चावल को मैंने नमक डाल के मिला दिया था, चावल को मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये ठंडा चावल है इसलिए ये टूटेगा नहीं, गर्म चावल होता ना तो ये टूटने का चांसेस होता है। थोड़ा सा पहले से, और अगर पहले दिन रात को ज़्यादा चावल बच गया तो दूसरे दिन तुम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल के जीरा दे के, और जो भी सब्ज़ी है, प्याज होगा तो प्याज डालना, और क्या बोलते हैं, लहसुन होगा तो लहसुन देना, जो भी सब्ज़ी होगा उसको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेना, ढक्कन देके उसको थोड़ा सा पका लेना, फिर चावल के साथ ऐसे मिक्स कर दोगे। देखो चावल का कलर कैसे चेंज हो गया। ये चावल तुम लोग ऐसे ही खा सकते हो, इसके साथ और कुछ चीज़ देने का ज़रूरत भी नहीं है। ये फ्राइड राइस है, फ्राई भी हो गया, उसके साथ सब्ज़ी भी आ गया, बस चावल बन गया। थोड़ा सा मैं ये कम कर दिया तो ये चावल का कलर भी चेंज हो गया, सब्ज़ी भी हो जाएगा खाना इसके साथ। और कोई सब्ज़ी बनाओगे नहीं बनाओगे चलेगा, खाली ये चावल ही खा लो। और उसके ऊपर मैं ये अदरक लास्ट में दे रही हूँ, अदरक थोड़ा सा, तो ये अदरक देके ना मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, अभी हिला के मिला दूंगी इस पूरे चावल के साथ। तो ये फ्राइड दाल के साथ खा सकते हो, कोई सब्ज़ी के साथ खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे ही छोटे बच्चों को तो ऐसे ही फ्राइड राइस पसंद है। तो कुछ भी सब्ज़ी रहेगा घर में उसको छोटा छोटा काटोगे, और ऐसे मैंने जो सब्ज़ी दिया उसके ज़रूरत नहीं है, वही देना चाहिए। तुम्हारे घर में जो भी सब्ज़ी होगा उसको छोटा छोटा करके काटोगे, और काट के ऐसे चावल के साथ मिला के फिर मिला देना। फिर क्या होगा, इसको अभी थोड़ी देर मैंने ढक्कन देके रख दूंगी तो बन जाएगा खाने के टाइम। गरम गरम खाओ, ठंडा नहीं खाना, जब खाने के टाइम होगा तभी बनाना। तो बस हो गया मेरी फ्राइड राइस का रेसिपी।